नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों का एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। उत्तर प्रदेश में गोंडा के पास हुए ट्रेन हादसे के बाद ट्रैक से डिब्बों को हटाने का काम पूरा कर लिया गया। उम्मीद है कि शाम तक रेलवे ट्रैक को भी दुरुस्त कर लिया जाएगा। गोंडा के झिलाही रेलवे स्टेशन से पहले चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गुरुवार को हादसे का शिकार हो गई थी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए। ट्रेन के 7 डिब्बे पटरी से उतरे थे, जिनमें से एसी के 2 डिब्बे पलट गए थे। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने डिब्बों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। घायल यात्रियों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया। शेष लोगों को उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया है। रेल मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मरने वालों के परिवारजनों को 10-10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए मुआवजे की भी घोषणा की है। साथ ही मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मॉनसून सत्र में सरकार 6 नए विधेयक पेश करने की तैयारी में है। लोकसभा अध्यक्ष ने कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया है। सदन में आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन समेत 6 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। मंगलवार 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। वित्त विधेयक के साथ ही सूचीबद्ध अन्य विधेयकों में भारतीय वायुयान विधेयक 2024, वायलर विधेयक, काफी विधेयक और रबर विधेयक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रक्षा अलंकरण समारोह के दूसरे चरण के अंतर्गत वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान करेंगे। समारोह आज शाम राष्ट्रपति भवन में होगा। इससे पहले 5 जुलाई को रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण के दौरान राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के कर्मियों को 36 वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने 3 नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय विशेष समिति गठित करने के पश्चिम बंगाल सरकार के निर्णय की निंदा की। उन्होंने कहा कि संविधान में लोकसभा और राज्यसभा से पारित कानून की समीक्षा करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। इस तरह की कोई भी समिति इन 3 कानूनों की जांच नहीं कर सकती है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार संविधान का हनन और अपमान कर रही है। इस कदम पर बंगाल के राज्यपाल भी कह चुके हैं कि पश्चिम बंगाल के एक राज्य के भीतर एक राज्य नहीं हो सकता या उसे बनाना रिपब्लिक में तब्दील नहीं किया जा सकता। असम सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मुस्लिम विभाग कानून रद्द कर दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी है। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि असम कैबिनेट की बैठक में हमने असम रिपीलिंग बिल 2024 के माध्यम से असम मुस्लिम विभाग और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है। अब इसे विधानसभा में रखा जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत और श्रीनगर में वर्चुअली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के जोनल कार्यालय का भी उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2023 और नशा मुक्त भारत पर एक पुस्तिका भी जारी की। बैठक का उद्देश्य भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने में शामिल विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों के प्रयासों में समन्वय और तालमेल स्थापित करना है। बैठक को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार ने बड़ी कामयाबी पाई है और इसे एक अभियान का रूप दिया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज जम्मू के स्टेट कन्वेंशन सेंटर में 54वें सेवानिवृत्त पूर्व परामर्श कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। आज जम्मू के स्टेट कन्वेंशन सेंटर में केंद्र सरकार सीएपीएफ के 250 सेवानिवृत्त कर्मचारी 54वीं सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशाला में हिस्सा लेंगे।
झारखंड उच्च न्यायालय ने अवैध आप्रवासन के मामले में उचित हलफनामा दाखिल नहीं करने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। एक जनहित याचिका में दावा किया गया था कि बांग्लादेश से अवैध आप्रवासन संथाल परगना जिलों में रहने वाली यहां की जनसंख्या को प्रभावित कर रहे हैं। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि बांग्लादेश से अवैध आप्रवास के कारण संथाल परगना जिलों की सामाजिक जनसांख्यिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उसके पहले अदालत ने 3 जुलाई को राज्य सरकार को बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों को वापस लाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश दिया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव ने नक्सल हमले में घायल 4 सुरक्षाकर्मियों से अस्पताल में मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 2 एसटीएफ जवान शहीद हो गए, 4 जवान घायल हैं, घायल जवानों से मुलाकात की है, चारों अब खतरे से बाहर हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जुलाई को राज्य में आयोजित होने वाले बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम के संबंध में जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में होने वाली शिव महापुराण कथा का पोस्टर जारी किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ पुलिस के विशेष अभियान समूह ने जिला अस्पताल पुंछ के अधिकारियों के क्वार्टर क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया, जहां से कथित तौर पर एक ग्रेनेड बरामद किया गया था। महाराष्ट्र के जालना जिले में एक सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु हो गई। जालना के डीएम श्रीकृष्णनाथ पंचाल ने बताया कि एक वाहन में 15 लोग सवार थे, जिसमें से 7 लोगों की मृत्यु हो गई, ड्राइवर समेत 8 लोगों का इलाज जारी है। रक्षा मंत्रालय का पुनर्वास महानिदेशालय आज बेंगलुरु में पूर्व सैनिकों के लिए जॉब फेयर का आयोजन करेगा। इस रोजगार मेले का उद्देश्य नौकरी चाहने वालों और नियुक्तों को एक दूसरे से मिलवाना है। ये मेला पूर्व सैनिकों को दोबारा रोजगार अवसर प्रदान करता है। विश्व की सबसे बड़ी यात्रा कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है और कांवड़ यात्रा के साथ ही प्रशासन भी व्यवस्थाओं में जुट गया है। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर एक नया नियम भी जारी किया गया। आदेश के अनुसार अब कांवड़ यात्रा के रास्ते में हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा, ताकि कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इस आदेश में कहा गया है कि यह फैसला कांवड़ियों में किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन से बचने के लिए लिया गया है, ताकि किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू ना हो और कानून व्यवस्था भी बनी रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन कांवड़ यात्रा के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा का कहना है कि हर वर्ष 10-15% कांवड़ियों की संख्या बढ़ती है, तो वहीं सभी व्यवस्थाओं का प्रबंध सुचारू रूप से किया जा रहा है। प्रयागराज जिले में महाकुंभ 2025 को लेकर आज मंडलायुक्त कार्यालय गांधी सभागार से 13 अखाड़ों के साधु संतों की बैठक हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर सभी संतों ने मंथन किया। राष्ट्रपति भवन पर प्रकाशित प्रकाशन विभाग की पुस्तक कहानी राष्ट्रपति भवन की का लोकार्पण किया गया। इस पुस्तक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जुलाई 2022 से लेकर जुलाई 2023 के बीच भाषणों और राष्ट्रपति भवन से जुड़ी कहानियों को भी लिखा गया है। इसके अलावा चारों पुस्तकों का ई बुक संस्करण भी लॉन्च किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की और उन्हें 4 पुस्तकों की पहली प्रतियां भेंट की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल्चरल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द दर्द ट्राइब नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक डॉक्टर सुहिल रसूल मीर द्वारा लिखित है। भारत का इलाइट डॉग स्क्वाड यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की K90 में 26 जुलाई से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक के अलग अलग वेन्यू पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पेरिस ओलंपिक के लिए कुल 10 K9 टीमों को सुरक्षा के लिए चुना गया है। पश्चिम बंगाल में हावड़ा के डोमजूर इलाके में घरेलू नौकरानी और उसके परिवार के साथ शर्मनाक कृत्य किए जाने का मामला सामने आया। घर में चोरी की घटना के बाद नौकरानी के परिवार वालों को घर बुलाकर उन्हें प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य में विपक्ष के नेता सुमेंदु अधिकारी ने इस घटना का वीडियो साझा कर राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना को अंजाम देने वाले सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी के करीबी हैं।
पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। मानिक चौक थाना क्षेत्र के इनायतपुर में स्थानीय निवासी बिजली आपूर्ति को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जाम लगा रखा था। गुजरात में चांदीपुरा वायरस के बढ़ते मामले के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने अहम बैठक की है। चांदीपुरा के 29 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 15 की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि नमूनों का परीक्षण गांधीनगर जीबीआरसी प्रयोगशाला में किया जाएगा, ताकि चांदीपुरा वायरस का शीघ्र परीक्षण किया जा सके। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था आज पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हुआ। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश से शहर में जगह जगह जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं केरल के वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। राज्य में कन्नूर सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां कई निचले इलाकों में पानी भर गया। साथ ही सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके, बिहार और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास मुंबई में एफई मॉडर्न बीएफएसआई शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये इस शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण है। शिखर सम्मेलन में कई प्रमुख अर्थशास्त्री और मार्केट एक्सपर्ट्स देश की इकोनॉमी को लेकर चर्चा करेंगे। नेपाल भारत के रास्ते बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए अगले सप्ताह त्रिपक्षीय बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। इतिहास में पहली बार हिमालय देश भारत के अलावा किसी तीसरे देश को बेचेगा बिजली। प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इंफोसिस ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपनी आय में वृद्धि का अनुमान 3% से बढ़ाकर 4% किया है। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में इंफोसिस का शुद्ध मुनाफा पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 7.1% से बढ़कर 6,368 करोड़ रुपए रहा। टाटा के निवेश वाली बिग बास्केट ने गुरुवार को नई और मौजूदा ई कॉमर्स कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखला और संचालन के प्रबंधन के लिए अपना सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आधारित आपूर्ति श्रृंखला प्लेटफॉर्म बीवी मैट्रिक्स पेश करने की घोषणा की है। वित्त वर्ष 2025 के अप्रैल मई महीने में प्रवासी भारतीय जमा योजनाओं में देश में रह रहे भारतीयों ने $3 अरब के करीब जमा किया है। ये राशि पिछले साल की समान अवधि में इन योजनाओं में जमा की गई राशि के 4 गुने से भी अधिक है। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खानों की सूची में भारत की 2 खदानों ने अपनी जगह बनाई है। worldatlas.com की ओर से जारी की गई सूची में छत्तीसगढ़ स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड SECL की गेवरा कोयला खानों को दूसरा और कुसमुंडा खान को चौथा स्थान मिला है। भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में प्राइवेट इक्विटी निवेश 2024 की पहली 6 माही में सालाना आधार पर 15% बढ़कर $3 अरब हुआ। ये एक वर्ष पहले समान अवधि में $2.6 अरब था। देश के 7 प्रमुख शहरों में चालू साल के पहले 6 माह में उच्च मांग के कारण 4 करोड़ रुपए और उससे अधिक कीमत वाले लग्जरी घरों की बिक्री में बंपर वृद्धि दर्ज की गई। रियल एस्टेट परामर्श कंपनी CBRE के मुताबिक लग्जरी घरों की बिक्री में 27% की वृद्धि हुई है। संकट से जूझ रहे एडटेक प्लेटफॉर्म बायजूस ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के हालिया आदेश के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया है। सूत्रों के अनुसार बायजूस ने NCLAT से इस तत्काल सुनवाई की मांग की है। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी LIC ने HDFC लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल जैसी निजी बीमा कंपनियों को शेयर बाजार में प्रदर्शन के मामले पीछे छोड़ दिया है। इसके पीछे ढांचागत क्षेत्र जैसे बढ़ते क्षेत्रों पर लगाए गए दांव की अहम भूमिका रही। LIC का शेयर बीते 1 साल में करीब 80% तक उछल चुका है। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। वाली बोली भाली मेहनत वाली नखरे वाली असली तड़के वाली।
तो बड़े समझदार बड़ी होशियार MDH के साथ अब जुड़ नहीं टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजगार्लिक टेस्ट MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। घरेलू स्तर पर प्राकृतिक गैस की खपत में सालाना आधार पर 7.1% की बढ़त जून में देखने को मिली। इस कारण प्राकृतिक गैस आयात में भी 11.3% का इजाफा हुआ। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। भारत और मलेशिया ने पाम ऑयल और अन्य क्षेत्रों में परस्पर सहयोग बढ़ाएंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मलेशिया के बागान एवं कमोडिटी मंत्री दातुक सेरी जोहरी अब्दुल गनीन के बीच आयोजित एक बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। नीति आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाने विषय पर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 2030 तक 500 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। नीति आयोग ने कहा कि इससे तकरीबन 60 लाख रोजगार सृजित होंगे। देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी इंफोसिस ने कर्मचारियों की संख्या में कमी की लगातार 6 तिमाहियों के बाद आखिरकार भर्तियों की योजना का ऐलान किया है। कंपनी का वित्त वर्ष 25 के लिए 15,000 से 20,000 लोगों को नियुक्त करने का लक्ष्य है। एनएसआईसी तकनीकी सेवा केंद्र NTSC में नई कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में NSIC और मेसर्स ड्रोन डेस्टिनेशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इसका उद्देश्य कौशल विकास कार्यक्रम में उन्नत ड्रोन प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण को शामिल करना है जिससे MSME को बढ़त मिल सके। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने नेशनल कन्वेंशन में उनका जोरदार स्वागत किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी स्वीकार की है तो वहीं हत्या के प्रयास के बाद ट्रंप ने कहा कि पूरे देश में यहां तक कि पूरी दुनिया को एक साथ लाने का मौका है। सम्मेलन के आखिरी दिन मेलानिया ट्रंप, इवांका ट्रंप और जेरेड कुशनर भी सम्मेलन में पहुंचे। राष्ट्रपति जो बाइडेन की दोबारा दावेदारी पर अब उन्हीं के पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं। इस लिस्ट में अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी शामिल हो गए हैं। ओबामा ने बाइडेन के खराब स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनाव से पहले उनकी दोबारा दावेदारी पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। प्रतिनिधि सभा की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी कहा कि बाइडेन अपनी दावेदारी पर पुनर्विचार करें। पेलोसी ने डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं के सामने निजी तौर पर चिंता जताते हुए बाइडेन को पीछे हटने के लिए कहा है। नैन्सी ने आगाह किया कि अगर बाइडेन ऐसा नहीं करते हैं तो डेमोक्रेटिक पार्टी सदन में नियंत्रण हासिल करने की क्षमता खो सकती है। वहीं सूत्रों के मुताबिक बाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी पर कहा है कि वो पीछे नहीं हट रहे हैं और पहले की तरह इस बार भी ट्रंप को हराएंगे। बाइडेन की उम्र इस बार बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रही है और वो COVID-19 से भी संक्रमित हो गए हैं। हल्के लक्षणों के कारण उन्हें चुनाव प्रचार के अहम मोड़ पर अपना अभियान रोकना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन फिर से राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर छात्रों का हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी। वहीं ढाका में लाठियों और पत्थरों से लैस हजारों छात्रों की सशस्त्र पुलिस के साथ झड़प में मारे गए 13 लोग। पिछले एक हफ्ते में लगभग 19 लोगों ने गंवाई अपनी जान जबकि दर्जनों लोग हुए घायल। फिलहाल उग्र प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी ढाका में एहतियातन मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी तौर पर बंद कर दी गई। बांग्लादेश के तनावपूर्ण इलाकों में स्कूल, कॉलेज और मदरसे भी बंद कर दिए गए हैं। वहीं बढ़ती अशांति को देखते हुए ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग ने वहां रह रहे अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। ढाका में भारतीय उच्चायोग और चटगांव, सिलहट और खुलना में भारतीय सहायक उच्चायोगों ने अपने नागरिकों और छात्रों के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। गौरतलब है कि 1 जुलाई को विभिन्न सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के छात्रों ने आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू किया था। छात्रों ने 5 जून के उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द करने की मांग कर रहे हैं जिसमें बांग्लादेश सरकार को 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 30% नौकरी कोटा बहाल करने के लिए कहा गया था। इसराइल और गजा के बीच पिछले 9 महीने से जारी संघर्ष को लेकर आज अंतर्राष्ट्रीय अदालत दे सकती है अपनी राय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आज
फिलिस्तीन क्षेत्र पर इसराइल के कब्जे को लेकर इसके कानूनी परिणामों के बारे में देगी अपनी सलाह। हालांकि इसराइल पहले भी इस तरह के आदेश को कर चुका है खारिज। आईसीजे के फैसले से गजा पट्टी में हमास के खिलाफ 9 महीने पुराने विनाशकारी युद्ध पर भी बढ़ सकता है राजनीतिक दबाव। महिला एशिया कप 2024 का आज से श्रीलंका के दामबुला में आगाज हो रहा है। प्रतियोगिता में टीम इंडिया की पहली टक्कर आज पाकिस्तान से होगी। डिफेंडिंग चैंपियन भारत हरमनप्रीत की अगुवाई में 8वीं बार खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। प्रतियोगिता के शुरुआती मैच में आज नेपाल और यूएई की टीम भी आपस में भिड़ेंगी। प्रतियोगिता में भारत के ग्रुप में पाकिस्तान, नेपाल और यूएई की टीम में शामिल है, जबकि दूसरे ग्रुप में श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया और थाईलैंड है। बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय वनडे और टी20 टीम का ऐलान कर दिया है। वनडे में जहां रोहित शर्मा टीम की कमान संभालेंगे, तो वहीं टी20 में सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया। शुभमन गिल वनडे और टी20 में उप कप्तान होंगे। वनडे में विराट कोहली के ब्रेक लेने की खबर पर पूर्ण विराम लग चुका है। विराट को श्रीलंका दौरे के लिए टीम में शामिल किया गया, हालांकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया। आईसीसी का 4 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन आज से कोलंबो में शुरू होगा। आईसीसी की एजीएम में तय होगा कि बीसीसीआई सचिव जय शाह चेयरमैन का पद संभालेंगे या दोबारा। 2025 तक न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले ही चेयरमैन बने रहेंगे। आईसीसी की बैठक में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भी चर्चा हो सकती है। दरअसल भारत किसी भी सूरत में पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं है। अगर टीम इंडिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से नाम वापस लेती है तो फिर पूरा टूर्नामेंट खटाई में पड़ सकता है। ट्रेंट ब्रिज में चल रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इंग्लैंड ने अपने सभी विकेट खोकर पहली पारी में 416 रनों का विशाल स्कोर बनाया। प्रतियोगिता में पहला टेस्ट मैच जीतकर इंग्लैंड 1-0 से आगे है। नाडिया ओपन 2024 टूर्नामेंट में भारत के सुमित नागल की चुनौती खत्म हो गई है। सुमित प्री क्वार्टर फाइनल में हारकर प्रतियोगिता से बाहर होने के कारण राफेल नडाल का सामना करने से चूक गए। क्वार्टर फाइनल में नागल को अर्जेंटीना के मारियानो नवोन से हार का सामना करना पड़ा। खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल ने बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणॉय के पेरिस में रहने के दौरान उनके ट्रेनर रोहन जॉर्ज मैथ्यूज का खर्च उठाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रणॉय एकल स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय फुटबॉल टीम ताजा जारी रैंकिंग में 124वें नंबर पर कायम है। रैंकिंग में पिछले साल दिसंबर से भारत का खिसकना जारी है। भारत की टीम एशिया में 22वें नंबर पर है। अर्जेंटीना की टीम फीफा रैंकिंग में मजबूती से शीर्ष स्थान पर बनी हुई है। मेसी के नेतृत्व में अर्जेंटीना ने हाल ही में कोलंबिया को हराकर रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है। चोट से उभरकर वापसी कर रहे स्पेन के राफेल नडाल ने स्वीडिश ओपन के क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान बना लिया है। नडाल ने दूसरे दौर के मुकाबले में ब्रिटेन के कैमरून नूरी को सीधे सेट में हराने में सफलता पाई। इंग्लिश फुटबॉलर मेसन ग्रीनवुड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़कर फ्रेंक क्लब मार्सिले के साथ अनुबंध किया है। ग्रीनवुड ने फ्रेंच क्लब के साथ 31.6 मिलियन यूरो में 5 साल के लिए करार किया है। ग्रीनवुड पिछले सत्र में लोन पर स्पेनिश क्लब गेटाफे के लिए मैदान पर उतरे थे। 2019 में मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ शुरुआत करते हुए उन्होंने 129 मैचों में 35 गोल करने में सफल रहे। ब्राजील के स्ट्राइकर साविन्हो ने इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी के साथ 5 साल का करार किया। 20 साल के साविन्हो ने ब्राजील के लिए 7 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में 1 गोल किया। फिल्म स्त्री 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और एक्टर राजकुमार राव का धमाकेदार अंदाज दिखेगा। सरकटे के खौफ को मिटाने फिर गांव लौटी स्त्री। बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर को फूड पॉइजनिंग की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहले से हालात में थोड़ा सुधार। एक्टर विकी कौशल की फिल्म बैड न्यूज को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद दर्शकों से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया।
एक्ट्रेस जानवी कपूर की फिल्म उलझ का धमाकेदार ट्रेलर हुआ रिलीज। उलझ के ट्रेलर में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की नई और उच्च दाम वाली दुनिया की दिखाई गई झलक। फिल्म अगस्त में आने की संभावना। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल का बेसब्री से है लोगों को इंतजार। फिल्म के चलने की अफवाहों पर लगा विराम। जानकारी के मुताबिक 6 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने की फिल्म सही दिशा में बढ़ रही है आगे। मिर्जापुर 3 में नजर आ रहे एक्टर अली फजल और एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के घर बेटी ने लिया जन्म। ऋचा चड्ढा ने एक हेल्थी बेटी को दिया जन्म। कपल ने सोशल मीडिया पर फैंस को दी इस बात की जानकारी। कंगना रनौत अपकमिंग पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म इमरजेंसी को लेकर नया अपडेट आया सामने। फिल्म 6 सितंबर को होगी रिलीज। दमदार ओपनिंग के बाद बॉक्स ऑफिस पर ठंडी पड़ गई इंडियन 2। 25.6 करोड़ से खोला था खाता। इंडियन 2 फिल्म का 6 दिनों का कुल कलेक्शन अब 68.25 करोड़ रुपए हुआ। वहीं दूसरे हफ्ते में फिल्म को 100 करोड़ क्लब में शामिल होने की उम्मीद। और प्रभास स्टारर फिल्म कल की 2898 एडी बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही। फिल्म ने 21वें दिन 6.50 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में मेरे साथ इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।